Great pride, a very senior expert, Mr. Pradeep ji Gupta. Namaskar sir. नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हम लोगों को गाइडेंस देने के लिए और हम लोगों को हमसे अपनी जानकारी और अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब लोगों को एक बार बहुत छोटा सा, हालांकि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, अनुभव मतलब परिचय देने में मैं अपने आप को सक्षम इस समय फील नहीं करता। स्टिल अपने देश में जो लोग एग्रीकल्चर से, फसलों से, पैदावार से, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने से जो इसमें टॉप के एक्सपर्ट्स अपने देश के हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम प्रदीप जी गुप्ता का है, जो कि NCS ग्रीन अर्थ के डायरेक्टर भी हैं और पूरे भारत भर में इन्होंने हर प्रकार की फसल, हर प्रकार की सॉइल और हर प्रकार के मौसम के साथ में और क्या हमारे तौर तरीके होने चाहिए, किस समय कैसे उसकी देखभाल करनी है, क्या सावधानियां बरतनी है, इसमें एक पाथ ब्रेकिंग काम जिसको कहते हैं वो इन्होंने किया है और एक 7-स्टार क्रॉप मेथडोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस की है। और मैं ये कहते हुए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं सर को इनवाइट कर सकूं, वो इन सब बारी इन सारी चीजों के बारे में हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए उनको बता पाए। तीन बातें बहुत क्विकली शुरू से शेयर कर रहा हूँ कि एक बात तो यह है कि जब हम लोग खेती किसानी कर रहे हैं, दुर्भाग्यवश आज खेती किसानी को बहुत प्रॉफिटेबल ऑप्शन, करियर ऑप्शन नहीं समझा जा रहा है, उससे प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर हम साइंटिफिक तरीकों से, रिसर्च बेस्ड मेथोडोलॉजी से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खेती किसानी करेंगे तो ये अपने आप में बहुत प्रॉफिटेबल और देश के को बहुत आगे ले जाने वाला एक अवसर देता है, एक बात। दूसरी बात, इसी से जुड़े हुए लोग जो कि चाहे खेती किसानी नहीं करते हैं लेकिन उनके पास अपने रूफटॉप पे या बालकनीज में या होम गार्डन है या किचन गार्डन है और स्पेशली लॉकडाउन के समय उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं अपना समय, अपनी एनर्जी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। और तीसरी बात कि हमारे जो स्टूडेंट्स आज मेरे साथ में जुड़ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के, एंड वेरी हैप्पी टू सी द यंगस्टर्स जो कि हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, उत्साही युवा हैं, उनको भविष्य में इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए भी गाइडेंस मिलेगी सर से। तो ज्यादा समय न लेते हुए, बहुत समय मैंने फिर भी नाना कहते कहते भी ले लिया है, आई इन्वाइट प्रदीप सर, वेलकम यू, और आप को मैं इनवाइट करता हूं कि आप हमारे सब लोगों को अपना अमूल्य समय और दें और अपना अमूल्य अनुभव हम सबके साथ में शेयर करें। वेलकम सर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप सभी का धन्यवाद कि हमारा जो डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी ये जो यूट्यूब चैनल है इसने और विगत दिनों में और 1000 सब्सक्राइबर का जो मार्क है वो अचीव किया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मीटिंग के बाद वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, उनका और एडवांस में धन्यवाद। फेसबुक के ऊपर भी NCS ग्रीन अर्थ इस नाम से पेज है जहां से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पेज है और सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर और ज्यादा विशेष जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर विजय ढोले जी है, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, हाँ, तो उनसे आप व्यक्तिगत रूप से भी और ये सारी जानकारियां ले सकते हैं। विजय जी आप अपना नंबर और यहाँ पर शेयर कर दीजिए तो जिससे कि बाद में आपसे सारे लोग संपर्क कर सके, अन्यथा विवेक जी के पास, मनीष जी के पास, इन सबके पास में नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और दुनिया बहुत छोटी हो गई है अभी, किसी रास्ते से जाइए, घूम फिर के कोई ना कोई वापस मिल ही जाएगा। आप घर पे भी बैठे रहेंगे तो भी घटना दुर्घटना बस सोशल मीडिया पे टकरा ही जाएंगे, बस वहां पर फिजिकली नहीं होंगे लेकिन टक्कर तो हो ही जाएगी। तो आज हम बात करेंगे 7-स्टार क्रॉप केयर स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या है ये 7-स्टार क्रॉप केयर स्ट्रेटेजी और कैसे वर्क करेगी और इससे क्या फायदा होने वाला है, इस बारे में बात करेंगे। आज का जो सब्जेक्ट है प्री मॉनसून फ्रूट ऑर्चर्ड का मेंटेनेंस और फर्टिगेशन, यानी मानसून पूर्व बगीचे का यानी फल बाग की देखरेख और खाद व्यवस्थापन, ये मुख्य सब्जेक्ट है
तो हमको ध्यान रखना कि सब्जेक्ट हमारा आज है मानसून पूर्व, और मानसून में आज से एक महीना बचा हुआ है, यानी आज अगर 27 तारीख है और मानसून अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 22, 23, 24 तारीख को यहाँ दस्तक देने वाली है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 28, 30 तारीख को आने वाली है। राजस्थान की बात करेंगे तो 5, 7 जुलाई तक आने वाली है। तो यानी 27 तारीख से लेके 5 जुलाई, ये जो एक महीना 7, 8, 10 दिन है, इसके बीच में मानसून दस्तक देने वाली है। तो ये जो मैं आज चर्चा कर रहा हूं, ये सारा काम मानसून के पहले कंप्लीट कर लेना है। फिर चाहे आपका बगीचा हो, चाहे वो 1 एकड़ का हो, आधा एकड़ का हो, 100 एकड़ का हो, या 5 प्लांट लगाए हो, या 2 पौधे लगाए हो, इवन अगर आपने टेरेस के ऊपर किचन गार्डन में भी 2 प्लांट लगा रखे हैं, आम, इमली, अमरूद, चीकू के, उनके साथ भी ये क्रिया करनी है। इग्नोर नहीं करना है कि मेरे पास तो खेत नहीं है, मैंने तो 2 पौधे छत पे लगा रखे हैं, गमले में, गमले में भी 2 पौधे लगा रखे, तो उनकी देखभाल करनी जरूरी है, क्योंकि उनके लिए भी मानसून आ रहा है, आपको उनसे भी फल लेने हैं, टमाटर, भिंडी, मिर्ची, बैंगन, नींबू तोड़ने हैं। तो याद रखिए, तो मानसून पूर्व क्या क्या तैयारी करनी है और कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपके जो भी प्रश्न है आप लिख के रखिए, मैं 45 मिनट में कोशिश करूंगा कि इस सेशन को समाप्त करूंगा, और 15 मिनट 20 मिनट हम बाद में क्वेश्चन आंसर के ऊपर और थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मॉनसून के पहले अगर हम अपने फील्ड की बात करेंगे, तो अभी पूरी गर्मी का पूरा समय गया है, गर्मियों में हमने बहुत पानी दिया है खेतों में, और पानी के माध्यम से जब गर्मी में इतना पानी दिया है तो बहुत सी घास, वीड, जिसको हम खरपतवार कहते हैं, कोई उसको निंदामण कहता है गुजरात में अगर जाएंगे तो, कोई निंदन कहता है, कोई कचरा कहता है, वीड कहते हैं, तो ये भरपूर खेत में उगा हुआ है। यानी पौधे अगर हमारे छोटे हैं तो पता नहीं चलता खेती किस चीज की हुई है, कचरे की खेती की है, खरपतवार की खेती की है, या कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाई हुई है, पता ही नहीं चलता है। तो उसकी सफाई अभी तुरंत करना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहली बात है कि उसकी निराई गुड़ाई करिए, प्लाउइंग करिए, या फिर उसपे देसी भाषा में कहना है हल चलाना कहते हैं वो कीजिए, ट्रैक्टर घुमाना कहिए। ये काम पहला है जो तुरंत करने का है, काफी लोगों ने कर भी लिया होगा, नहीं किया होगा तो चल रहा होगा। ये करते समय एक दो बातों का इसमें तुरंत ये ध्यान रखेंगे कि अगर ड्रिप की लाइन आपने खेत में बिछा रखी है तो पहले ड्रिप की लाइन को हटाकर समेट कर रोल करके किनारे रख दीजिए, और उसके बाद में ये अपना प्रोसेस शुरू कीजिए, एक नंबर। दूसरी बात ये है कि कभी भी ट्रैक्टर को जो पेड़, उसकी जो कैनोपी है, कैनोपी यानी ऊपर की जो छतरी है, घेरा है पेड़ का, उस घेरे के नीचे 12 बजे जब सूरज एकदम सर पे रहता है, उस समय जहां उसकी छाया गिरती है, उस छाया के अंदर में आपको ट्रैक्टर या हल बैल नहीं चलाना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, कि आपको जो ट्रैक्टर चलाना है, रोटावेटर चलाना है, पावर टिलर के माध्यम से मैन्युअली जो भी करना है, 12 बजे की छाया जहां पर पड़ती है उस लाइन के बाहर बाहर आपको ये सारी क्रियाएं करनी है। उसकी वजह ये है कि 12 बजे की छाया जहां पड़ती है वहां पर फीडर रूट होती है, उसके बाहर आती है, उसके अंदर में आपकी सब रूट है, और उसके बाद तना है और ऊपर पेड़ है। तो अगर आप उस छाया के अंदर अनुप्रवेश, इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे तो ट्रैक्टर से ऊपर डालियां टूट जाएगी, नीचे जड़ें कट जाएगी, और प्लांट बुरी तरह से घायल हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, और इस वजह से प्लांट बाद में मर भी सकता है। तो ये क्लीनिंग करना है, कैनोपी एरिया से बाहर करना है आपको। कैनोपी एरिया के जो अंदर का काम है वो मैनुअली करना है। अगर आपसे प्लांट से प्लांट की दूरी और रो से रो की दूरी ज्यादा है, मान लीजिए आपने 18 बाई 15 पे प्लांट लगाया हुआ है, रो टू रो 18 फुट है या 20 फुट है, और प्लांट टू प्लांट 10 फुट या 15 फुट या 12 फुट है या 18 फुट है, तो पहले आप रो टू रो यानी जहां पर 18-20 फुट है उसमें आप कैनोपी छोड़ दीजिए, और उसके बीच में ट्रैक्टर को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चलता है उसमें से क्लीन कीजिए। एक्सेस जो घास आ गई है उसको इकट्ठा कीजिए, उसको पिट में डालिए कंपोस्टिंग के लिए, उसको फील्ड पे मत छोड़िए,
क्योंकि जैसे ही तेज बारिश आएगी वो घास बहेगी, बह के वो इधर उधर कहीं भी जाके जम जाएगी। तो उसको सफाई कीजिए और उसको किसी गड्ढे में डाल के कंपोस्ट कीजिए। खेत में अगर कोई नीचे की जगह है जहां पर पानी भरता है तो वहां गड्ढा खोद के उस सारी घास को दबा दीजिए और फिर से मट्टी भर दीजिए, जिससे जगह भी ऊंची हो जाए और घास भी दब जाए। तो ये काम वहां पर करना है आपको। कैनोपी एरिया के अंदर में और वहां पर मैन्युअली काम करना है। एक ऐसे 5 तार का बना हुआ एक पंजा आता है, वो इसी प्रकार का ही रहता है और पीछे उसके डंडी रहती है। उस पंजे से कैनोपी एरिया में ऊपर से 2-3 इंच की जगह को अच्छी प्रकार से, और क्या कहते हैं, खुरपी जैसे, उसको खुरच कर और वहां की घास वास हटानी है और उसको क्लीन कर देना है, जिससे कि वहां पर अच्छे से उस जगह का सोलराइजेशन हो जाए, धूप अच्छी तरह लग जाए। क्योंकि देखिए, पिछले बारिश के बाद से अभी तक उस जगह पर हमने हाथ नहीं लगाया होगा, वहां पर बुरी तरह से घास उगी हुई होगी और उस घास के अंदर कई प्रकार की बीमारियां पनपी होगी, जिसमें मिलीबग एक प्रमुख है। आप देखेंगे मिलीबग, आप सब जानते भी होंगे, सफेद रंग का एक कीड़ा है जो ऊपर में डालियों में लगता है और भर जाता है। कई बार हमको लगता है सफेद फंगस जैसी कुछ लग गई, फंगस नहीं है वो सकिंग पेस्ट है। ऊपर से पूरे उसका रस चूस लेती है उसका, और वो पूरा डाई बैक हो जाता है, वहां से पूरा वो पौधा मर जाता है, ऊपर से सूखना शुरू करता है, धीरे धीरे पूरा पौधा मर जाता है। जासवंत यानी हबिस्कस, हिंदी में जिसको गुड़ेल हम कहते हैं, जवा फूल कहते हैं बंगाल में, इस प्लांट पे सबसे ज्यादा ये बीमारी देखने को मिलती है। इसके अलावा भिंडी पे, बैगन पे, टमाटर पे, मिर्ची पे, सिट्रस के ऊपर यानी नींबू, संतरा, किन्नू, मौसम्बी, इनके ऊपर, आम के ऊपर, सभी, लगभग सभी फसलों पर आजकल ये कीड़ा देखने को मिलता है और बहुत बेतहाशा तरीके से बढ़ रहा है। तो ये नीचे वहां पनपा होगा तो उसको वहां पर क्लीन करेंगे। इसके बाद में क्या करना है, जो पुराने बगीचे हैं काफी दिनों से हैं, कि जहां पर बहुत साल हो गए, 15 साल 20 साल हो गए, हमारे यहाँ तो फल ही नहीं आते हैं, 1 साल छोड़ के फल आ रहे हैं, फल की साइज बहुत छोटी रहती है, फल लगते बहुत है लेकिन पूरे झड़ जाते हैं, पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है लेकिन फल बहुत थोड़े से मिल रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं कई बार और देखने को मिलती है और लोग इसकी शिकायत भी करते हैं कि इस तरह की हमारे यहाँ पर ये समस्या हो रही है। ऐसे में क्या करना है आपको, कि जो आपका पौधा है उसके चारों तरफ एक ट्रेंच काटना है। ट्रेंच यानी क्या, 12 बजे की छाया जहां पड़ेगी उस जगह के बाहर में, यानी तने की तरफ नहीं, बाहर की तरफ, फावड़ा जितना चौड़ा होता है, ये मैं बात कर रहा हूँ 10 साल 12 साल के जो बड़े पेड़ हैं उनके लिए, यानी 5 साल से बड़े पेड़ों के लिए, फावड़ा लगभग 8 इंच चौड़ा होता है। तो एक फावड़े से 12 बजे की धूप जहां पर गिरती है और जो छाया बनती है वहां पर एक लाइन खींचिए, उसके बाहर 8 इंच बाहर फावड़े से एक चारों तरफ एक नाली खोदनी है और उसको 6 इंच गहरा खोदना है और पूरी मट्टी को अंदर की तरफ डालना है, तने की तरफ। मैं आपको अभी ये ड्रॉ करके, चित्र ड्रॉ करके दिखाता हूं तो आपको जल्दी से बेहतर अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए, और ये पेड़ है, ये पेड़ है और ये इसका रूट एरिया है और ये 12 बजे का सूरज है, 12 नून। अब जब ये 12 बजे का सूरज जब यहाँ पर पड़ेगी, इसकी धूप, तो ये जो रोशनी, इसकी जो छाया बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर तने से ये मान लीजिए कि 3 या 4 फुट दूर है, तो उतनी बड़ी एक रस्सी बांधिए तने से यहाँ पर और उस रस्सी को ऐसे इस प्रकार घुमा दीजिए, तो ये घेरा बन गया। इसके बाहर एक और, तो ये जो एरिया है इसको ट्रेंच करना, ट्रेंच यानी नाली जैसे इसको काटना है और ये जो मट्टी निकलेगी अंदर की तरफ डाल दीजिए सारी मट्टी और इसको इस प्रकार चढ़ा दीजिए मट्टी को। अब ये जो आपने ट्रेंच काटी है, इस ट्रेंच को काटने के बाद में आप 7 दिन तक यूं ही छोड़ दीजिए, उसको सोलराइजेशन के लिए छोड़ दीजिए यानी धूप लगने दीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत प्रकार की बीमारियां होगी, जड़ें सड़ गई होगी, नई जड़ों का विकास बंद होगा, ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी। इस ट्रेंच को काटने के बाद 7 दिन इसको खुला छोड़ दीजिए। अगर पौधे की जो डालियां सूख गई है
उन सबको जहां से सूखी है वहां से नीचे तक उसको काट दीजिए। जो डालियां नीचे की तरफ झुक के जमीन की तरफ चली गई है उनको काट दीजिए, जो क्रॉस ब्रांचेज हो गई है उनको काट दीजिए। और एक कटिंग का ध्यान रखना है कि पूरा पौधा, और मान लीजिए इस प्रकार का बना हुआ है ये पौधा आपका, यहां से ये पौधा एक डाली इधर गई, एक इधर गई, एक ऐसे गई और एक ये ऐसे गई, इस प्रकार ये, और बहुत सी डालियां गई हुई है। लेकिन अचानक कई बार देखने को मिलता है क्या कि बीच में से एक बड़ी डालिया से सीधी गई और इसने यहां से बहुत सारी शाखाएं ऐसे फैला दी। ऐसे पौधों को इसको हम कहते हैं वाटर शूट। ये वाटर शूट यानी क्या, ये वो डाल है, ये वो व्यक्ति है जो घर का सबसे ज्यादा खाता है लेकिन काम कुछ नहीं करता, निकम्मा होके बैठा रहता है, ये वो व्यक्ति है। तो यानी क्या, ये जो है ये वाटर शूट से ये सबसे ज्यादा पूरी एनर्जी का 50% प्लस ये अकेला लेता है और इसने पूरे पेड़ को घेर रखा है ऊपर से। तो अच्छा, मजे की बात है इसके अंदर किसी प्रकार का फल नहीं लगता है। यहाँ जो फल लगेंगे वो फल बहुत छोटे लगेंगे और संख्या में भी कम आएंगे क्योंकि ज्यादातर एनर्जी तो ये ड्रॉ कर रहा है। तो ऐसी शाखाओं को आइडेंटिफाई करके उसको यहीं से काट देना है और उसको हटा देना है। अब जैसे ही आपने इसको हटा दिया, आपका पेड़ पूरा बीच में से खुला हो गया और ये जो सनलाइट थी ये पूरे पेड़ पे अभी गिरेगी और ये जो फल है ये फलों की साइज बड़ी होने लग जाएगी, पूरे पेड़ पे फल लगेंगे, जहां जहां डालियां सब जगह फल लगने शुरू होंगे। तो कटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, और जो ट्रेंच आपने बनाया है उसमें अगर बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन वगैरह दिख रहा है, जिस तरफ से डालियां सूख रही है, तने के ऊपर से गोंद जैसा, गमोसिस जैसा निकल रहा है, तो उनको क्लीन कीजिए और उस घेरे के अंदर में फंजी फ्रीज नाम का एक फंजी साइड है, उसका 100 लीटर पानी में 200 ग्राम मिलाकर इस प्रकार के जितने भी पेड़ हैं जहां पर इस तरह की समस्याएं हैं उस ट्रेंच के अंदर में अच्छी प्रकार स्प्रे करके उस पानी से उसको का उपचार करें, जिससे कि जो सड़न गलन वहां पर आई है, जो जड़े जो रूट रॉटनिंग हुआ है, कुछ विल्टिंग हुआ है या फ्यूजेरियम आया है या अन्य जो भी बीमारियां हैं वो सारी कंट्रोल वो करेगा फंजी फ्रीज। इसके बाद में क्या करना है? इसमें सर एक चीज पूछना चाह रहा हाँ, था प्रदीप सर, कि ये जो अभी आपने बात बताई, ये आम में, अनार में, सभी पपीते आम, में, अनार, चीकू, संतरा, मौसम्बी, अमरूद, इस तरह के जितने भी पेड़ रहते हैं उन सभी के अंदर में इस प्रकार की एक ब्रांच रहती है, चाहे घर का पौधा हो चाहे बाहर का पौधा हो, उसमें जी इस जी प्रकार की रहती है, तो उसको रिमूव करना है। सेंटर ब्रांच कहते हैं उसको, और वो एकदम सीधी जाती है, अनप्रोडक्टिव रहती अच्छा है वो, तो उसको क्लीन करना है। और वो क्लीन करने के बाद में पूरा बीज के अंदर में खुला हो जाएगा, पूरी सनलाइट वहां पर आएगी और फोटोसिंथेसिस जी बढ़ जाएगा प्लांट का जी और जी बहुत बढ़िया फ्रूटिंग आएगी। तो तो यानी ये कि जो करना है सिट्रस है, नींबू, मौसमी, इसमें भी यही काम सभी चलेगा सभी सभी में, और सभी अमरूद, अनार में भी यही चलेगा। जितने भी फल के पेड़ होते हैं, जो साल में एक बार फल देते हैं और 20-30 सालों तक देते हैं, उनके लिए है। केवल बेर का जो झाड़ी होती है उसमें ये लागू नहीं होता, क्योंकि बेर की झाड़ी में फूल फल लेने के बाद हम उसको पूरा काट देते हैं, उसमें ऐसी कोई ब्रांच ही नहीं रखते हैं हम, ठीक है ना? तो ये करना है। इसके अलावा तने के ऊपर अगर कुछ घाव हो गया है, कहीं से फट गया है, गोंद निकल रहा है, उन सब घावों को पहले तो हम ऊपर से कोई साफ हथियार, चक्कू या इस तरह का कोई हसुआ या इस प्रकार का कोई औजार लेकर जिसको हम डिसइन्फेक्ट करेंगे और उससे वो सारा जो घाव है उसको साफ करेंगे, और करने के बाद में एक बोर्डो पेस्ट करके मिश्रण लगाया जाता है। बोर्डो पेस्ट क्या है? यानी कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं ब्लू कॉपर, या हिंदी में जिसको नीला थोथा कहते हैं। तो नीला थोथा 1 किलो, ये जो क्वांटिटी में बता रहा हूं ये
10 ग्राम से लेके और 100 किलो तक हो सकती है। आपके पास कितने पेड़ हैं, कितनी संख्या में और कितनी उम्र के हैं उस पर डिपेंड करता है। मैं एक थम रूल के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 किलो नीला थोथा यानी ब्लू कॉपर या कॉपर ऑक्साइड 10 लीटर पानी में उसको भिगोना है रात को, और 10 लीटर पानी में एक अलग प्लास्टिक, ये सारे दोनों प्लास्टिक के ड्रम लेने हैं, उसमें 1 किलो चूना, चूना यानी जो चूना हम पान वगैरह में खाते हैं, कली वाला चूना या ढेला वाला चूना जो कहते हैं, पत्थर वाला चूना, वो उन दोनों को रात को भिगो देना है, दोनों को सुबह अच्छी प्रकार मिला देना है। एक तीसरे प्लास्टिक के ड्रम में दोनों में से 1-1 लीटर लेना है, तो ये 2 लीटर हो गया, और इसमें 3-4 लीटर पानी मिलाना है, और ये जो मिश्रण बनेगा इसका उस तने के ऊपर नीचे जमीन से लेकर जहां तक ब्रांचिंग शुरू होती है 2 फुट 3 फुट 4 फुट 2.5 फुट उस पे अच्छे प्रकार से इसको पेस्ट कर देना है गाढ़ा गाढ़ा, जिसमें से सफेद रंग भी दिखेगा तो खूबसूरत भी दिखेगा ये, और तने पर आने वाली जो बीमारियां हैं, गमोसिस है, फाइटोपथोरा जिसको कहते हैं वो है, या इस प्रकार की जो भी इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा वहां पर। साल में 2 बार ये करना जरूरी है, एक अभी प्री मानसून और 1 दिसंबर, तो ये काम वहां पर करना है। ग्रीन अर्थ भी, हालांकि ये जो मैंने बताया आप, उसमें चूना एक है, चूना तो प्राकृतिक है, लेकिन जो ब्लू कॉपर है यानी कॉपर ऑक्साइड जो है वो केमिकल है। बहुत लोगों ने मुझसे इस साल रिक्वेस्ट किया है कि सर आप इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप भी और इस प्रकार का कुछ हमें बना कर दीजिए, तो उस पर हमारा काम चालू है। साइंटिस्ट को मैंने वो काम सौंपा है, हो सकता है इस साल, इस सीजन में तो नहीं लेकिन दिसंबर तक हो सकता है कि मैं आपको वो प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकूं, उसके ऊपर रिसर्च और बाकी सब काम चालू है। तो ये जो ब्लू कॉपर, इसको बोर्डो मिश्रण कहते हैं, ये बोर्डो मिश्रण का पेस्ट अपने को वहां पर करना है मानसून से पहले। संतरा, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, ये जो सिट्रस वर्गीय यानी नींबू वर्गीय जो फसल है उसके अंदर में ये प्रॉब्लम बहुत आती है, तो ये एक अभी हमको करना है। अब बात आती है कि ये सारी सफाई पाई तो हो गई, अब हमको मॉनसून से पहले जो फर्टिलाइजर का डोज है, ये तो हो गई देखभाल, देखभाल के साथ फर्टिगेशन, क्योंकि अगर फर्टिगेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजर का डोज उचित मात्रा में और उचित समय पर नहीं दिया, तो आने वाली फसल डिस्टर्ब हो जाएगी, या जो फसल लगी हुई है उसका विकास नहीं होगा, फ्रूट की साइज नहीं बढ़ेगी, क्वालिटी नहीं बनेगी, और क्वालिटी और साइज नहीं आएगी तो भाव नहीं मिलेंगे। एक बात का ध्यान रखें, पेड़ के ऊपर संख्या महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, यानी नंबर अगर कम हुए तो चलेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फ्रूट हमेशा बहुत छोटी साइज का नहीं बिकता, एवरेज साइज से ऊपर का जो फ्रूट है उसके बेस्ट प्राइस मिलते हैं। आप अगर अनार की बात करेंगे तो अगर अनार 1 किलो के 4 या 5 है तो 50 रुपया 40 रुपया किलो बिकेंगे, मैं होलसेल की बात कर रहा हूं जो बगीचे से बिकते हैं, लेकिन अगर वो किलो के 3 है तो 60 हो जाएंगे, और किलो का अगर 2 है तो 70 हो जाएगा, और अगर 5 फुट की का वजन, 8 फुट का वजन अगर 5 किलो होता है लेकिन 650-650 ग्राम होता है तो वो फल बगीचे से 100 रुपया किलो से भी ज्यादा महंगा बिकता है। तो साइज मैटर करता है फलों में, ध्यान रखिए कि केवल नंबर गेम नहीं चाहिए यहाँ पर, हमको क्वालिटी लेनी है जिससे भाव अच्छे मिले, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है कि फर्टिलाइजर में बेसल डोज में हम क्या डालें। जो लोग साल भर केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो लोग ऑर्गेनिकली या रेसिड्यू फ्री जिसे हम कहेंगे, जो जरूरत पड़ने पर ही और केमिकल का यूज उपयोग करेंगे, ऐसे जो फार्मर हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजें, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका उनको यूटिलाइज करते हैं, जैसे गोबर की खाद हो गई, केंचुए की खाद हो गई यानी काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर,
यानी जो पेड़ पौधे के पत्तों से बनाई हुई खाद, इस प्रकार का जो मैन्योर है वो, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए वो एक महत्वपूर्ण सवाल है, और वो मात्रा किस प्रकार तैयार करके देना ये दूसरा। तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए पहले उस पर बात करेंगे। तो एक जो पौधा है, हॉर्टिकल्चर प्लांट है, बागवानी फसल से संबंधित है, उसको 10 किलो अच्छी प्रकार से पकी हुई गोबर की खाद, या तो वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, गोबर की खाद 10 किलो प्रति वर्ष, यानी क्या प्रति वर्ष, एक पौधा नहीं, एक पौधे की जितनी आयु है, मान लीजिए एक पौधा है जो 3 साल पुराना है, तो 10 किलो गुणे उसकी आयु कितनी है 3 साल, तो 10 केजी गुणे उसकी एज, उसको गुणा करने से जितना आता है उतनी खाद। अगर 4 साल का पौधा है तो 10 × 4 = 40, 5 साल का पौधा है तो 50, तो और 2 साल का पौधा है तो 20, और 1 साल का पौधा नया लगा रहे हैं तो 10 किलो, ये उसकी उसका और परिमाण है, ये मात्रा है। अब मान लीजिए 5 साल का पौधा है तो 50 किलो गोबर की अच्छी प्रकार से पकी हुई खाद लेंगे। आगे बढ़ने के पहले ये खाद बनेगी कैसे, और जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पकी हुई, उसका क्या मतलब है, ये 2 मिनट में समझ लेंगे। अगर ये नहीं समझा और हमने अगर ऐसे ही गोबर इकट्ठा किया हुआ, हाँ साहब मेरे पास में ना साल भर पुरानी पकी हुई खाद थी, कहाँ पड़ी थी, वो गड्ढे में पड़ी थी, वहां से उठा के ले आया। गड्ढे में पड़ी हुई खाद पकी हुई खाद नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अभी गर्मी का मौसम है और हर घर में अचार बनता है। अचार के लिए हम दो जो इंग्रेडिएंट मेन रहते हैं, एक रहता है कैरी और दूसरा रहता है मसाले। मसालों के अंदर में अगर बाकी सब चीज को छोड़ दिया जाए, बाकी आप सारे जितने भी मसाले हैं दुनिया भर के डाल दो, लेकिन एक चीज नहीं डाली तो वो मसाला भी बेकार है और वो कैरी भी बेकार है, और वो जो महत्वपूर्ण चीज है उसका नाम है नमक। 10 किलो कैरी के पीछे 1 किलो मसाला लगता है, 500 ग्राम ही नमक लगेगा, लेकिन वो नमक नहीं डाला तो ये आम भी बेकार जाएंगे और आप 1000 रुपए का मसाला भी बेकार जाएगा। अभी ये जो नमक है, ये नमक ही उसको अचार में कन्वर्ट करता है, पकाता है, फंगस से बचाता है, सारा काम करता है। वैसे ही ये जो हम कंपोस्ट डालेंगे, जो टनों में डालते हैं, हम ट्रैक्टर भर भर के डालते हैं, अगर 1 एकड़ में मेरे पास 200 प्लांट है और 5 साल के हैं तो मुझे 10 टन कंपोस्ट चाहिए, 50 × 200 तो 10,000 किलो चाहिए मुझे। 10,000 किलो यानी कम से कम 4 ट्रॉली, जो गाँव के अंदर में जो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगती है, ऐसी 4 ट्रॉली चाहिए। 4 से 5 ट्रॉली होगा तब जाके 10 टन होगा, उसको कंपोस्ट करना है। तो उसको लाकर क्या करते हैं, हम ऐसे ही डाल देते हैं। जब ये कंपोस्ट हम खरीदते हैं तो इसके साथ 4 चीजें हमको फ्री मिलती है। जैसे आजकल हम मॉल वगैरह में परचेजिंग करने जाते हैं ना, तो buy 1 get 1 free, buy 2 get 2 free, और होली दिवाली दशहरे में तो buy 4 get 4 free, ऐसा अलग अलग स्कीमें रहती है। तो ये जो हम कच्चा गोबर डालते हैं ना, तो ये buy 1 get 4 free है। कैसे, जैसे ये कच्चा गोबर आप डालते हो, सो कॉल्ड जो आप गोबर की खाद, इसके अंदर वीड सीड आते हैं, तो डालने के बाद जैसे ही बारिश होती है तो बहुत तेजी से पूरा वीड फैलता है पूरे खेत में, एक नंबर। दो नंबर, इसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल ऐसे पैथोजेंस हैं जो इसमें घर बना लेते हैं और वो बाद में पेड़ के ऊपर आक्रमण करते हैं और पेड़ की जड़ों को सड़ा देते हैं, पतनों को सड़ाते हैं, वगैरह वगैरह। तीसरा, इसके अंदर दीमक बहुत बड़ी मात्रा में आती है। और चौथा, इसके अंदर वाइट ग्रब, एक सफेद रंग की, एक घूमड़ी कहते हैं या लट कहते हैं, ऐसे सफेद रंग की रहती है और उसका मुंह जो रहता है काला या लाल रहता है, वो जड़ों में चली जाती है और जो फीडर रूट रहती है, जो सफेद जड़ें रहती है, जो भोजन पानी लेती है, उन जड़ों को खाती है। तो ये 4-5 चीजें फ्री आती है, इनको डालने से, कच्चे गोबर को डालने से अच्छा कि आप न डालें। किसी को अच्छा खाना नहीं खिला सकते तो मना कर दीजिए, उसको पुराने बासी सड़ा हुआ खाना खिला के बीमार मत कीजिए उसको। उसको करना क्या है, गोबर आ गया, उसको एक हीप बना दीजिए, सिंपल। मान लीजिए कि आपने और एक ट्रैक्टर, एक ट्रॉली और गोबर खरीदी और गोबर को यहाँ पर लाके रखा आपने और उसका एक हीप बना दीजिए ऐसा ऐसा। ये 4 फुट इसकी हाइट रहेगी, इसकी जो चौड़ाई रहेगी ये वाली, ये भी 4 फुट रहेगी, हाइट 4, इसकी विड्थ 4, और ये लंबाई ऐसे करीब 10 से 12 फिट रहेगी।
तो ऐसा एक हीप बना दिया। बनाने के बाद में क्विक ब्रेक करके एक प्रोडक्ट है छोटा सा, 100 ग्राम लेना है, उसमें 200 लीटर पानी ऐड करना है और 1 kg उसके अंदर में जैगरी यानी गुड़ ऐड करना है, और इसको ड्रम के अंदर में 200 लीटर के ड्रम में और 3 दिन से 3 से 4 दिन रखना है। तो ये एक क्विक ब्रेक का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये सॉल्यूशन को क्या करना है, ये जो हीप बना दी इसमें यहाँ पर ऐसे छेद करने हैं और इसके अंदर पिला देना है अच्छी प्रकार से, और इसको 12-15 दिन के लिए छोड़ देना है। इसको पिलाने के बाद में 4-5 दिन बाद जब इसके अंदर हाथ डाल के देखेंगे तो बहुत गर्म लगेगा। इस गर्मी से सारे जितने अंदर जितने भी खरपतवार के बीज हैं, वीड सीड है, वो सारे जर्मिनेट होंगे और वहीं मर जाएंगे, और जितने भी हार्मफुल फंगस है और भी बीमारियां है वो खत्म हो जाएगी, जितने प्रकार के कीड़े हैं दीमक है वो चले जाएंगे, इसके अंदर जो मिथेन गैस थी वो रिलीज हो जाएगी, और ये जो 4 फीट हाइट थी ये दब के करीब 2.5 फीट पे, 3 फीट पे, 2.25 फीट पे ऐसे आ जाएगी। 15-17 दिन के बाद इसको एक बार आप टर्निंग कर दीजिए, उलट पलट कर दीजिए, फिर से इसको सजा दीजिए, इसकी जो हीट है वो निकलने दीजिए, सूखा लगता है तो हल्का सा पानी का इसके ऊपर छिड़काव कीजिए और रख दीजिए। 30 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी, यानी जिस दिन से आप ये क्विक ब्रेक प्रयोग करेंगे वहां से 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अब इस खाद को आप डालिए तो न वहां पर खरपतवार उगेगा, न वहां पर कोई दीमक आएगी, न वहां पर कोई रूट कटर ग्रब्स आएंगे, न वहां पर कोई टर्माइट आएगी, कुछ नहीं आएगा, और पौधा बहुत खुशी खुशी इसको ग्रहण करेगा। यानी ये कैसे हो गया कि किसी को खिचड़ी पकाकर और घी डालकर खिलाई और या चावल और दाल सूखे दे दी और बोले बेटा चबा इसको, तो क्या हाल होगा उसका, तो वो पहले वाला वैसा ही था। ये पक के गया है तो इसको ये खाएगा, सुपाच्य है ये। तो ये खाद डालेंगे, इसके साथ में 2-3 चीजें जो मिक्स करेंगे, अब यहां से शुरू होता है 7-स्टार क्रॉप केयर स्ट्रेटेजी का स्ट्रेटेजी नंबर 1। स्टार नंबर 1 है रूट जाल, यानी अगर जड़ नहीं अच्छी रहेगी तो साल भर पौधा न मौसम से लड़ पाएगा, न तनाव से लड़ पाएगा, न वो न्यूट्रिशन का अपटेक कर पाएगा और न परफॉर्म कर पाएगा। तो सबसे पहला है आर जाल, रूट जाल। तो आर जाल के नाम से एक प्रोडक्ट है जिसमें वैम है, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा पर प्लांट, उसकी एज कितनी है उसके हिसाब से, अगर वो 1-2 साल का है तो 10 ग्राम और 4-5 साल का है तो 20 ग्राम आरजाल इस 10 किलो कंपोस्ट में मिलाना है, यानी 10 किलो और प्रति वर्ष के हिसाब से उसकी एज के हिसाब से। दूसरा उसके अंदर में एक निमेटिक अर्ब मिलाना है। निमेटिक अर्ब क्या है, मित्र सेना है ये, तो यानी पहला आरजाल स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 मित्र सेना। ये मित्र सेना क्या है, ये निमेटिक अर्ब में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज और इस प्रकार के और बैक्टीरियाज का मिश्रण है जो जमीन में जाने के बाद में न सिर्फ पौधे को बीमारियों से बचाते हैं बल्कि उसको और ताकत भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार ये प्रति पौधा 20 ग्राम से लेके और 50 ग्राम तक उसमें मिलाना है, ये दूसरा हो गया। तीसरा इसके अंदर में न्यूट्रिशन के रूप में एक रीबिल्ड ग्रैनुअल है वो मिलाना है 50 ग्राम के आसपास, 50 ग्राम से 100 ग्राम। अब जो फर्टिलाइजर की बात आती है, मेन फर्टिलाइजर जिसको हम कहते हैं एनपीके, जैसे अगर केमिकल की बात करेंगे तो उसमें डीएपी यूरिया पोटाश डालते हैं, हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं जैविक की बात करते हैं तो इसके अंदर क्रोम आता है, फॉस्फेट इज ऑर्गेनिक मैन्योर 250 से 50 ग्राम, और फर्टिग्रीन के यानी पोटैश रिच ऑर्गेनिक मैन्योर या पोटैश डिराइव्ड फ्रॉम मोलासेस पीडीएम, ये 250 से 500 ग्राम, इनका पूरा मिश्रण तैयार करके जो ट्रेंच बनाई इसके अंदर आप डाल दीजिए। अगर आपके पास घर में पौधा है तो घर में गमले के चारों तरफ एक खुरपी से पूरे कर उसमें डाल दीजिए, आपके बैक यार्ड में, आपके किचन गार्डन में, आपके घर के सामने आपके बगिया में है तो वहां पर एक घेरा बनाइए और उसमें ये डाल दीजिए, और उसको वापस मट्टी से ढक दीजिए और वहां पर फिर पानी देना है जब पानी देने का समय आएगा। तो ये अगर आपने किया तो कैसा भी पुराना पौधा हो जिसने आज तक फल नहीं दिए या फल नहीं दे रहा है या 1 साल छोड़ के फल दे रहा है या
बहुत कम मात्रा में फल दे रहा है। अगले सीजन में जब उसका फ्रूटिंग का समय आएगा तो आप देखेंगे कि इतने फल लगेंगे कि आप खुद तो खाएंगे, पूरे मोहल्ले को खिला पाएंगे। सर ये फर्टिकेशन एक हाँ फर्टिकेशन एक बार वापस रिपीट करेंगे? हाँ फर्टिकेशन का कंपोस्ट लेंगे हम 10 किलो इनटू एज ऑफ द प्लांट, यानी अगर 4 साल का है तो 40 किलो, 3 साल का है तो 30 किलो, 5 साल का तो 50 किलो। उसके अंदर में 10 से 20 ग्राम डालेंगे आरजाल पाउडर, 20 से 50 ग्राम उसके अंदर डालेंगे आप निमेटिकर पाउडर, 25 से 50 ग्राम उसके अंदर आप डालेंगे रीबिल्ड बूस्ट ग्रैनुल, रीबिल्ड ग्रैनुल कौन सा ये समझ में नहीं आया, रीबिल्ड REBULD रीबिल्ड, इसके अंदर अमीनो एसिड्स और सीवीड और इसका एक कॉम्बिनेशन रहता है। 250 से 500 ग्राम आप डालेंगे फर्टिग्रीन पी यानी फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसमें P2O5 आपको मिलेगा, वहां से फॉस्फोरस मिलेगा, और 250 से 500 ग्राम क्रोम यानी पोटैश रिच ऑर्गेनिक मैन्योर जिसमें पोटैश मिलेगा, तो वो 250 से 500 ग्राम डालना है। तो ये पांचों छह चीजों को अच्छी प्रकार कंपोस्ट के साथ मिक्स करके जो ट्रेंच बनाया है उसके अंदर भर देंगे इसको। उसके पहले उसको हमने 7 दिन सोलराइजेशन किया था, अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन था तो उसमें फंजी फ्रीज नाम का एक जो आता है उससे किया था, या तो टीम वर्क का जो पानी है वो बना के उसमें हम देंगे और इसको पैक कर देंगे। अब ये पौधा वहां पर जड़ों को वहां से विकसित करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, जो पौधा है वो पूरा ऐसा गोल कैनोपी उसकी छतरी जैसी बनेगी और अच्छे फल धारण करेगा, फलों की साइज भी अच्छी होगी और क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि केमिकल 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 इतना ज्यादा है कि ये इतना 100 किलो ये यूरिया डालो, ये 1000 किलो ये डालो, ये DAP डालो, ये डालो, ये डालो। वास्तव में पौधे के अंदर रहता क्या है इसकी, इसका कभी अगर एनालिसिस हम करेंगे तो जिस बात के लिए सबसे ज्यादा लोग परेशान है वो है यूरिया नाइट्रोजन, पागल है लोग इसके पीछे। तो ये सबसे सस्ता फर्टिलाइजर है, इसे जितना डाल सकते हो डाल दो, और सारे बीमारियों का घर यही है। ये सारी केमिकल फर्टिलाइजर जरूरत से ज्यादा अगर आपने डाली, वैसे कहते ही हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कोई भी चीज की करोगे, आप घी बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपने अपने हाजमा शक्ति से ज्यादा पी लिया तो नुकसान करने वाला है वो। तो वैसे ही अगर आपने ये ज्यादा कुछ भी अगर डाला तो इसके साइड इफेक्ट इतने जबरदस्त है कि इनको डालते ही 6वें 7वें दिन सारे सकिंग टेस्ट आते हैं और ये सबको पता है, फिर भी हम डाले जा रहे हैं। अगर एक पौधे का एनालिसिस करेंगे तो पूरे पौधे का, अगर मान लीजिए एक पेड़ है और उसको 100 किलो वजन है उसमें, तो मात्र 3.5% नाइट्रोजन रहता है उसके अंदर में, क्योंकि उससे ज्यादा नाइट्रोजन अगर हो गया उसमें लेना शुरू कर दिया उसने या जबरदस्ती आपने दिया तो पौधा मर जाएगा, और उसके लिए इतना हम उठा पटक करते रहते हैं, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, वो बड़ा विषय है। तो ये जो 2 स्टेप हमने और यहाँ पर की, एक आरजाल यानी रूट जाल, जड़ ही जीवन है, और दूसरा हमने मित्र सेना यानी मित्रों की सेना, अगर जमीन में रहेगी तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, पौधों को किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं आने देंगे वो, और ज्यादा बारिश हुई, कम बारिश हुई, पानी वाटर लॉक्ड हो गया, सूखा पड़ गया, आंधी तूफान आ गए, ये सारी बातों में ये जो मित्र सेना है ये पौधे को सहायता करेगी। अभी आप सोचते होंगे कि भाई ये आंधी तूफान में कैसे सहायता करेगी, सूखे में क्या कर लेगा, तो इन सब के जो मित्र सेना है ये सारे लोग मौसम के हिसाब से बिहेव करते हैं। अगर सूखा है तो जीवाणु नीचे नमी इकट्ठी करके रखते हैं, ज्यादा बारिश हो गया तो ये पानी को जमीन में नीचे जाने के लिए मजबूर करते हैं, रुकने नहीं देते, गर्म हवाएं चली गई तो तनाव से पौधे को बचाते हैं। यही मजा है, ये सहजीवन, नीचे कोऑपरेशन में एक दूसरे का साथ देते हैं और पौधे को, और ये सारे एडवांटेज उससे मिलते हैं। इसके भी साथ साथ एक काम और करते जाना है कि ये जो करते करते आप देखेंगे कि भाई मेरे पास में ये 20 पौधों की लाइन है जिसमें 2 पौधे बीच में मर गए,
इनकी गैप फिलिंग के लिए अभी से गड्ढा करना है, गड्ढे को 7-8 दिन खोल के रखना है, उसमें ये कंपोस्ट वगैरह मिला के पिट भर देना है, एक बार पानी डाल देना है। ड्रिप है तो हम प्लांटेशन पहले कर सकते हैं, और अगर ड्रिप नहीं है तो जैसे ही मौसम थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है गर्मी में उस समय हम लगा सकते हैं, या तो हम बारिश एक आ गई उसके बाद लगा सकते हैं, लेकिन गड्ढे का काम पहले ही करके रखना है, कंपोस्ट वगैरह भर के रखना है और एक बार पहले पानी उसमें दे देना चाहिए गर्मियों के अंदर। जी इसमें मतलब आपकी बात से जो मैं समझाऊं कि तो हमें जो ये ट्रेंच बनाया है जो कि लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास होगा उसकी कैनोपी के हिसाब से, तो उसी में ये सब खाद वाद डालना है। बिल्कुल बिल्कुल उसी में डालना है ना, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये बता दूं, मतलब मैं तो ये गलती करते आता कि एक जहाँ पे आपने ट्रेंच बनाया वहां पे तो मैं बनाता था दीवार और उसके बीच में पानी भरते के पास तक भरते थे पानी। मैं आता हूँ कि अच्छा सवाल पूछा है शायद विवेक जी ने पूछा है, क्योंकि मैं अभी फुल स्क्रीन पे हूँ इसलिए मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो पानी है वो जो ट्रेंच मैंने बताया है, जो ट्रेंच काटा है 12 बजे की धूप के, उसके बाहर पानी देना है। ये जो गलती हम करते हैं कि बीच में तने के वहां पर हमें गड्ढा कर देते हैं और उसमें बाल्टी भर के पानी देते हैं, देखिए वहां पर वहां पर देखिए। हाँ अभी आप एक बार जरा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार आप नजर दौड़ाइए वापस, देखिए ये प्लांट है, ये जमीन है और ये इसकी एंकर रूट है। ये एंकर रूट इस पौधे को खड़े रखने में मदद करती है, ये इसकी सब रूट है, ये सब रूट है ये, और इसके अंदर यहाँ पर इस प्रकार बारीक जड़ रहती है जिसको माइक्रो रूट्स कहते हैं। ये 12 बजे की ये कैनोपी है। अभी हमने क्या किया, हमने यहां पर एक ऐसा घेरा बनाया और इसमें पूरा पानी भर दिया, यही करते हैं हम ज्यादातर लोग। अब ये पानी यहां से कहां से आएगा, ये यहां पर आएगा, पानी चाहिए कहां पर, एक्चुअल में पानी चाहिए इनको यहां पर, यहां नहीं चाहिए, यहां पानी चाहिए। अब आप बोलेंगे पानी यहां चाहिए, रूट तो यहां पर है, यहां जो आपने पानी दिया, अब ये पानी यहां चाहिए था तो ये जड़े क्या होता है वापस अंदर आने की कोशिश करती है। तो ये जो पौधा है ये ऐसे नहीं बढ़ेगा, आप देखेंगे ये पौधा फिर ये सीधा ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा पौधा, ऐसा ऐसे जाएगा, क्योंकि जड़ें सीधी है तो पौधा सीधा ही जाएगा, बाहर की तरफ नहीं बढ़ेगा। और जैसे ही आपने पानी यहां दिया तो ये पानी नमी यहां से आएगी, और जैसे ही नमी आएगी तो ये जड़ें और आगे तक जाएगी, और जैसे ही जड़ नमी जाएगी ये पौधा ऐसे जाएगा। वहां पर अगर आपने पानी दिया तो थोड़े दिनों बाद पौधा मर भी सकता है, पौधे में फल नहीं आएंगे, पौधे की ग्रोथ नहीं अच्छी आएगी, हर साल उसकी डालियां सूखती रहेगी और पौधा बीमार होता रहेगा। तो कभी भी उस घेरे के अंदर पानी नहीं देना है, पानी हमेशा घेरे के बाहर देना है। तो जड़े पानी नहीं पीती, सुना आपने, बिल्कुल सही सुना है, जड़ें पानी नहीं पीती, जड़ें सिर्फ नमी ग्रहण करती हैं। जड़ों पर अगर हमने ज्यादा पानी दिया तो जड़ें सड़ जाएगी, दलदल हो जाएगा वहां पर, वो सांस नहीं ले पाएगी और धीरे 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 सड़न पैदा होगी और पेड़ मर जाएगा या तो बीमार रहेगा। जड़ों को नमी चाहिए, वाष्प जैसे भाप बनती है, तो जड़ों से 6 इंच दूर पानी दिया तो जड़ें पानी लेने के लिए उसकी तरफ जाती है, तो ग्रोथ अच्छी होती है, पौधा मजबूत होता है। और जड़ों को जितना पानी चाहिए उतना पानी वो लेती है, यानी भाप नमी के माध्यम से, और जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना ले लेंगी।
लेकिन अगर आपने जबरदस्ती उसको पिलाने की कोशिश की तो वो बीमार हो जाएंगे। तो हमारे दो स्ट्रेटेजी पर हमने चर्चा की, मित्र सेना और दूसरा पहला आरजाल और दूसरी मित्र सेना। और ये जो मित्र सेना के अंदर में और भी कई उत्पाद बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वो जुड़ते जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा जो है और वो है हमारा बायोवॉल। यानी बायोवॉल क्या, आप जब भी किसी को युद्ध के लिए भेजेंगे या आप मोटरसाइकिल पर जाएंगे या आप क्या कहते हैं उसको कार में बैठेंगे तो आप कुछ सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं ना, बेल्ट लगा लेते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं, बारिश में छतरी डाल लेते हैं। तो पेड़ों को भी तो बाहर से आक्रमण होने वाला है, बहुत सारे कीट पतंग आक्रमण करेंगे, तो हम उसको एक सुरक्षा चक्र प्रदान कर देंगे बायोवॉल। यानी क्या, सिलिका के माध्यम से उसके ऊपर एक ऐसा हम आवरण बना देंगे कि ज्यादातर कीट पतंग जो बीमारियां हैं उसको छू नहीं पाए। तो ये हमारा तीसरा और तीसरा जो सेवन स्टार का जो तीसरा स्टार है वो है बायोवॉल। बाकी के ऊपर हम थोड़े बाद में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार आपने ये तीन स्टेप यहाँ तक हमने किए सुरक्षा चक्र के माध्यम से, और ये दो ये सारा काम कंप्लीट हो गया। तो सिल्पॉट निमोक्योर इत्यादि का स्प्रे करके और इसको हम बायोवॉल इसके चारों तरफ एक बना देंगे जिससे ये आने वाली बीमारियों से और मौसम की मार से बचता रहे। इन दिनों में काम करते करते देखा गया है कि मिलीबग, जैसे अभी मैंने पहले भी चर्चा की कि मिलीबग का प्रकोप काफी बढ़ा है अभी इन दिनों में, और मिलीबग ज्यादातर जो तने के आसपास का जो नीचे का इलाका रहता है वहां पर घास वगैरह में, स्पेशली जो जिसको हम गाजर घास कहते हैं या बहुत लोग उसको कांग्रेस घास भी कहते हैं, पत्ती पत्ती वाली होती है, सफेद फूल आते हैं, वो उसका बहुत बड़ा होस्ट प्लांट है मिलीबग का। तो वो जहां भी दिखे तुरंत उसको उखाड़ कर, सीड पर आने से पहले ही उखाड़ कर उसको फेंक दें। अगर उसमें मिलीबग का अटैक है तो उस पौधे को जला दीजिए, उसको दबाइए मत जमीन में, जमीन में दबाएंगे तो वो ज्यादा मल्टीप्लाई होके आएगी, उस पौधे को ही जला दीजिए आप और वहां से हटा दीजिए आप तुरंत। और मिलीबग कंट्रोलर या नीम पेस्टिसाइड इसका वहां पर दो बार तीन बार लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जिससे कि वो सप्रेस हो जाए और चली जाए। क्योंकि मिलीबग अगर एक बार उसने घर बना लिया आपके बगीचे में, आपके पेड़ पौधों पर, आपके ऑर्चर्ड में, खेत में, तो बहुत मुश्किल है उनसे पीछा छुड़ाना और बहुत बड़ा नुकसान करके वो और जाती है। तो इसलिए मिलीबग से स्पेशली आपको और बच के रहना और बहुत जरूरी है। इसके अलावा अभी इसमें और एक काम करेंगे हम, इंटरक्रॉपिंग करेंगे। ये मैनेजमेंट का पार्ट है। जैसे सेवन स्टार में जैसे मैंने तीन स्टार तक बताया, चौथा है डिफेंस। डिफेंस में जैसे मैंने बताया नीमो क्योर और मिलीबग के लिए और बाकी के लिए, तो ये डिफेंस में आ गया। उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसका समय जुलाई के बाद शुरू होगा। और उसके बाद जो चौथा है वो है, पांचवा जो है वो है एनर्जी फ्लो। कब कौन सा प्रोडक्ट देकर एनर्जी को किधर डाइवर्ट करना, किस समय ब्रांच को बढ़ाना है, किस समय फूलों को बढ़ाना है, किस समय फ्रूट सेटिंग करना है, किस समय फ्रूट की साइज बढ़ाना है, किस समय उसके अंदर में कलर इनहांस करने के लिए करना है, ये समय समय पे करना पड़ेगा। अगर ये आगे पीछे हुआ तो क्रॉप डिस्टर्ब हो जाती है। करते हम इसमें से सब है जो मैंने बताया है, लेकिन हम प्रॉपरली जो शेड्यूल है वो फॉलो नहीं करते। स्टेप 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार फॉलो नहीं करते, इसलिए गड़बड़ होती है। तो अभी आखिरी जो दो है छठवां सातवां, उसके ऊपर एक 5 मिनट हम चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें है वीडो फ्रेंड, मतलब खरपतवार से करो दोस्ती। अब आप बोलेंगे ये कैसी बात हो गई, खरपतवार को तो हम खरपतवार नाशक वीडिसाइड मार के उसको हम भगाना चाहते हैं और आप कहते हैं दोस्ती करो। भाई आप भगा नहीं सकते उसको, वो आपके घर में जड़ जमा के बैठा हुआ है। भगाने के लिए आप बहुत सालों से बहुत पैसे खर्च कर रहे हो फिर भी वो जा नहीं रहा, बल्कि आप उनको भगाने के चक्कर में जो दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हो उससे आप अपने पौधों को खराब कर रहे हो, खुद का स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, आप अपनी जमीन खराब कर रहे हो, आप अपने पानी को कंटामिनेट कर रहे हो, आप पर्यावरण में मित्र कीड़ों को मार रहे हो, आप सब कुछ गड़बड़ कर रहे हो।
तो जब इतना ढीठ दुश्मन है तो एक काम करो, उसको दोस्ती से प्यार से हाथ बढ़ाओ और फिर उसको दबाओ। तो करना क्या है कि उस वीड को जैसे ही वो थोड़ा सा बढ़ा उसको काट के वहीं दबा दिया, या पहली बार भाई मैं ये आखिरी बार या साल में 4 बार वीडिसाइड मारता हूं तो मैं इसको अभी इस साल 2 बार करूंगा, फिर 1 बार करूंगा और आने वाले 2-3 सालों में इसको एकदम से बंद कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करना कि पहले आप वीडिसाइड मार दीजिए। पहले तो एक बार मैंने बता दिया कि गोबर को कंपोस्ट कर दिया तो ये वीड की 50% 60% समस्या जो नहीं आप जो उसकी खेती कर रहे हो वो बंद हो गई। आपने खेती करनी बंद कर दी तो पहले तो वहां कम हो गया। अब जो हवा के माध्यम से उड़ के आएगा, पानी से बह के आएगा, हमारी हमारे यहाँ पर खेत में गाय है तो वो गोबर कर देगी, उससे आएगा। तो उसका क्या करना है, घास बढ़ी उसको काटा, वहां सुला दिया और 5-7 दिन के बाद में वहां पर क्विक ब्रेक जो मैंने बताया था उसका पानी बनाया और खेत में बहा दिया। साल में अगर हम ऐसे 7-8 बार 10 बार ये टोटल इसका जो ये पानी बनाने का खर्चा जो मैंने बताया ये टोटल 100 रुपए का खर्च आता है। साल में 10 बार अगर 1 एकड़ में ये 100-100 रुपए हमने 10 बार खर्च किए तो वीड आपका जो आज 100% है वो पहले साल में ही 30-40-50% पे आ जाएगा, दूसरे साल 20-25% पे आ जाएगा। और बड़ी जो घास हो गई उसको आप कटवा लीजिए, उसको सुखा के उसको छोटे छोटे टुकड़े करा लीजिए और उसको मल्चिंग में गर्मियों में काम लीजिए पौधे को आच्छादन करने के लिए। ये मैनेजमेंट का पार्ट है। तो वीड को कंट्रोल कीजिए और वीड को मैनेज करके काम में लगाइए। इसके अलावा जो मैनेजमेंट में और क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि भाई बड़े पौधों के बीच में जो छोटे पौधे आ रहे हैं उनकी गैप फिलिंग करनी है तो गैप फिलिंग कर दीजिए, ये आपके डेली रूटीन का पार्ट हो गया। अब मैनेजमेंट का पार्ट कैसे आता है कि आपने तो ड्रिप लगा रखा है और ड्रिप तो 5 साल के पौधों के हिसाब से आपने ड्रिप को बिछाया हुआ है और ड्रिप को कैसे बिछाया हुआ है आपने, आपके यहाँ पर देखिए ये पौधा है जो इतना बड़ा है और यहाँ पर ये पौधा है। अब यहाँ पर एक छोटा पौधा आपने लगाया जो इतना सा है और आपकी ड्रिप की लाइन यहाँ से गई है और इधर से गई है और यहाँ से ये और मान लीजिए ये 4 फीट है। अब ये 4 फुट इसको कैसे पानी मिलेगा इस छोटे पौधे को, तो क्या करना उसके लिए, उसके लिए मैंने एक छोटा सा समाधान बताया हुआ है। मनीष जी वो फोटो वो पिक्चर दिखा सकेंगे सर, एक सेकंड ना। हाँ जो पिक्चर आपको भेजी थी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ तो ड्रिप लाइन को कैसे मैनेज करेंगे कि जिससे उसी ड्रिप से उन पौधों को भी पानी मिल जाएगा। अभी मैं एक ऑर्चर्ड में गया था तो वहां पर हमारे आरुष करके हैं, अभी शायद मीटिंग में भी होंगे वो, तो उनके यहाँ पर देखा तो मैंने पूछा कि भैया आप कैसे इनको पानी मैनेज करते हो, ये तो इतने छोटे पौधे हैं, इससे 4 फुट दूर है तो इसको कैसे पानी देते हो। तो उन्होंने कहा कि सर इनको हम है ना बीच बीच में वो ट्रैक्टर पे और टंकी बांध के इनको हम बाल्टी बाल्टी से दे देते हैं ऐसे। यानी अगर आपके पास 50 एकड़ है जमीन, अगर खेत है और 50 एकड़ में इस तरह की अगर आपके पास में 20,000 में से 500 पौधे इस प्रकार अगर छोटे हैं तो 500 पौधों को आप ट्रैक्टर से पानी दोगे क्या। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, इस पिक्चर को बड़ा कर सकेंगे थोड़ा, मैं करूँ, हाँ थोड़ा अगर पिक्चर बड़ा, हाँ बड़ी कीजिए और थोड़ी बड़ी जूम कीजिए। हाँ देखिए ये लाइन सीधी जा रही थी यहाँ से, थोड़ा थोड़ा ऊपर कीजिए, हाँ हाँ ये सीधी लाइन जा रही थी। हमने क्या किया यहाँ पर देखिए 2 खूंटी लगाई हमने और खूंटी से इसको राइट साइड में डाइवर्ट किया और फिर सीधा किया फिर वापस आउट कर दिया। तो छोटे पौधे के 1 फीट दूर उसकी जो कैनोपी एरिया है वहां पर उसको पानी मिलना शुरू हो गया। अब ये बहुत सिंपल टेक्निक है इससे। अब आप सोचिए कि मैं 500 पौधों को एक ट्रॉली एक टैंकर के ऊपर और ट्रैक्टर से पूरे खेत में घूम घूम के पानी दे रहा था तो मेरे लिए 2 आदमी जार लग रहे थे, एक ट्रैक्टर चला रहा था एक पानी दे रहा था और ट्रैक्टर का डीजल का खर्च हो रहा था, आदमी 2 आदमी दिन भर लगते थे। तो मैंने इतना सारा पानी, इतना सारा मैन पावर और इतना समय बचा लिया। अब ये छोटी छोटी टेक्निक है, ये मैनेजमेंट के पार्ट है, ये तो मैनेज कीजिए इन छोटी सी चीजों का। थैंक यू मनीष जी। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका खेत बहुत अच्छे से मैनेज होगा, बहुत सारी समस्याएं आप उससे बाहर आ जाएंगे, आप मैन पावर की कॉस्ट सेविंग कर लेंगे, आप खर्चे कम कर लेंगे। और बिजनेस में कहावत है कि मनी सेव इज इक्वल टू मनी अर्न,
अगर आपने पैसे बचा लिए इसका मतलब आपने पैसे कमा लिए, तो आप पैसे बचाकर पैसे कमा सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट का पार्ट है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसको हम अगर फॉलो करते हैं तो हम एक लाभ की खेती हम कर सकते हैं। अब ये जैसे ड्रिप लाइन लगी हुई है, अब यहाँ पर जो पानी टपक रहा है यहाँ पर घास उगती है क्योंकि ये पानी थोड़ा अंदर तक जाता है बाहर भी आता है। अब क्या करना है कि जहां पर ये पानी टपक रहा है उस पॉइंट के ऊपर आप एक मूंग का दाना लगा दीजिए, मूंग का बीज लगा दीजिए, मूंग ग्रीन ग्राम मूंग लगा दिया, या आपने बीन्स लगा दी, चौलाई की फली लगा दी आपने, या तो वहां पर एक चने का दाना लगा दिया, एक दाना एक जगह पर, और ऐसे पूरी रो में आपने चना मूंग या फिर बीन्स इस प्रकार लगा दिया, तो एक एकड़ में करीब आपके ऐसे 1,000-2,000 पौधे लग जाते हैं। तो 2,000 पौधे लग गए तो उनके नीचे की जो जगह है वो 2 फीट भर गई, लेफ्ट राइट एक एक फीट। तो यहां पर जो घास उगती थी लाइन से वो घास उगनी बंद हो गई, और ये जो पौधा था इसने आपको फलियां दी, आप खुद भी खाइए, अगर आपने कॉमर्शियल है तो आप उसको मार्केट में बेचिए। तो इस ऑर्चर्ड का जो मेंटेनेंस है वो यहीं से निकलेगा। और एक फायदा और होगा, ये जो छोटे प्लांट होंगे ये प्लांट नीचे नाइट्रोजन फिक्स करेंगे और आपके मेन जो बड़े पौधे हैं उनको सपोर्ट करेंगे, तो आपको अलग से नाइट्रोजन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार आप इसको इंटरक्रॉपिंग कह सकते हैं, इसको वाटर मैनेजमेंट कह सकते हैं, वीड कंट्रोल के लिए भी काम कर सकते हैं, नीचे जमीन सोयल को आप इम्प्रूव करने की बात कर सकते हैं। और ये इतने सारे पौधे फलियां देने के बाद में जब सूख जाएंगे तो ये बायोमास के रूप में खेत में जाएंगे, तो ऑर्गेनिक कार्बन खेत का बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार खेती को आप प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ है, आपके पास अगर खेत है तो आपके पास सब कुछ है, बहुत कुछ वहां पर है जो खेत में ही है, हमको प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन करना है। तो अभी हेलो गुप्ता सर, हाँ जी हेलो, हाँ जी साइन पुराने बोल रहा हूँ गुप्ता सर जी। हाँ बोलिए सर, अनार के ऊपर थोड़ा सा बोल दीजिए, आप मैं अकेला हूँ अनार के लिए आपके पास। मैंने आज जो बोला है ये किसी पर्टिकुलर कोई क्रॉप के लिए नहीं बोला है, मैंने दिखाया संतरे का पौधा है लेकिन अनार के लिए भी ये बात लागू होती है, संतरे के लिए भी यही बात लागू होती है, मौसम्बी के लिए भी बात लागू होती है, चीकू पेरू ग्वावा जो भी क्रॉप आप है आप उसकी जगह पर अपना झाड़ खड़ा कर दीजिए। अभी जो आपने संतरे का पौधा देखा ना उसकी जगह अनार का पौधा लगा दीजिए। जी जी, और जहां जहां मैंने संतरा मौसम्बी बोला है वहां पर अनार 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 बोल दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है ना, तो ये ठीक है। हाँ, ये था आज का हमारा प्री मॉनसून मैनेजमेंट, आपको कैसे करना है उसके ऊपर। और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए अगले महीने फिर से हम जुलाई 1st वीक में करेंगे कि आगे का मैनेजमेंट कैसा करना है। इसके ऊपर भी ये जो वीडियो आज का है ये आपको ऑनलाइन भी बाद में YouTube पे Facebook पे मिल जाएगा, आप फिर से इसको देख सकते हैं। और हाँ जी प्रदीप सर, कोई सवाल पूछना चाहता। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो जो हुंडी देना है उसको भर्ती देना है झाड़ को, कितनी उम्र में देना है वो? कौन सी चीज वापस बोलिए। हाँ, झाड़ को जो भर्ती देते नीम की झाड़ को, वो मट्टी लगाते उसके खोड़ के पास, वो कौन सी उम्र में देना है उसकी? खोड़ के ऊपर मट्टी तो डे 1 से ही रहना चाहिए, खोड़ तक पानी कभी पहुंचना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए। पानी हमेशा खोड़ से जो है उसका स्टेम है तना है उससे दूर रहना चाहिए। हर साल मट्टी चढ़ेगी उसके ऊपर, जितना बड़ा झाड़ रहेगा जितना उसका कैनोपी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मट्टी चढ़ाते जाइए। तो आपकी जो मेन जो खेत है वहां से आपका जो खोड़ है वो कम से कम 1 फुट ऊंचा रहना चाहिए। 1 फुट ऊंचा नहीं है? हाँ, अगर 4-5 साल का झाड़ हो गया, 6 साल का झाड़ है तो 1 फुट ऊंचा रहना चाहिए, 2-3 साल का है तो 6 इंच कम से कम ऊंचा होना चाहिए। इसलिए आजकल बहुत लोग क्या करते हैं, जिनका खेत नीचा है लो लैंड है तो वो तो पहले से बेड बना के उसके ऊपर झाड़ लगाते हैं, देखा ना आपने। हाँ। जहाँ ज्यादा बारिश होती है जमीन में पानी रुकता है तो वो क्या करते हैं पहले से ही, और जमीन को खोद के बेड बना देते हैं, 4 फुट चौड़ा 3 फुट ऊंचा ऐसा बेड बना देते हैं और उसके ऊपर पौधा लगाते हैं, जिससे कि बारिश में वो पानी भी भरे तो कुछ नहीं हो। सर अभी बेड बना चलेगा क्या? 2 साल का झाड़ है।
हाँ, लेकिन बस बेड बनाते समय एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो ग्राफ्टिंग का निशान है वो मट्टी में नहीं दबना चाहिए, ठीक। ठीक है ना? हाँ हाँ, और किसी का कोई सवाल? हाँ शायद मणिराम जी सर, कुछ सर पूछ रहे थे आपको मीटिंग लगा के बीच में। मैंने सुना वो सर। हाँ जी, हाँ, अपन जो डांगाला काटे वो कुछ नीचे से, तो वो मट्टी में दब गया तो चलेंगे कि नहीं? क्या कौन सा वापस पूछिए, कौन सा डंगाला अपन काटे? जो कटाई हाँ करते झाड़ की, कुछ कुछ डांगाला हाँ नीचे से काटना पड़ता, हाँ तो हाँ वो जरा हुंडी मारते समय मट्टी में दब गया तो क्या चलेंगा क्या वो? नहीं देखिए, कोई भी, मैंने क्या बोला, जहां ग्राफ्टिंग का निशान है, आपने, हाँ हम तो ज्यादातर संतरा मौसमी आजकल पेड़ सारे ग्राफ्टेड मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो ग्राफ्ट किया हुआ कैसा रहता है कि ये पेड़ है, ये मेरा नीचे का भाग है, ये रूट है, और यहां से ये ग्राफ्ट आया, ये इस प्रकार ग्राफ्टिंग होती है, इसको बेस ग्राफ्टिंग बोलते हैं, WPDGE, बेस ग्राफ्टिंग, ये बेस ग्राफ्टिंग होगी, और ये पौधा चला गया ऊपर और यहां से ये पौधा बन गया। तो ये जो बेस ग्राफ्टिंग है, ये जो निशान है, ये मट्टी के में नहीं लगना चाहिए, बस यहां तक मट्टी आनी चाहिए, ये हमेशा मट्टी से ऊपर रहना चाहिए। आया क्या ध्यान में? हाँ हाँ आया ना कि ये जो निशान है ग्राफ्टिंग का, ये मट्टी में नहीं दबना चाहिए, क्योंकि अगर ये मट्टी में दबेगा तो यहां से वाटर सोर्स आ जाएंगे, और ये अगर इसके नीचे से अगर डालियां आ गई तो ये प्लांट फिर से जंगली हो जाएगा, तो आपका जो प्लांट का करेक्टर बदल जाएगा, उसमें फ्रूटिंग नहीं आएगी बाद में। क्वेश्चन कुछ और था, इनका क्वेश्चन ये था कि जो नीचे के ब्रांचेस को हम लोग ट्रिम कर रहे हैं, वो हाँ जो ट्रिम की हुई ब्रांचेस है वो अगर जमीन में गिरती है और दब जाती है तो चलेगा क्या? ये अच्छा, ऐसा प्रश्न बोल रहे हैं क्या? जमीन में गिरती है, कितनी साइज की ब्रांच है उस पर डिपेंड करता है, अगर छोटी साइज की ब्रांच दब गई तो चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा मोटी ब्रांच है तो उसको खेत में नहीं रखना। देखिए, अगर आपने अपनी जेब में ऊपर पैसे रखे हैं और दिख रहे हैं, और वो 500 या 2000 का नोट है, और बस में चढ़े, तो किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप? जेब कतरों को, पॉकेट मार को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना? अगर आपने खेत में डाली रखी सूखी हुई तो किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? दीमक को। तो खाना रखेंगे तो खाने वाला तो आएगा ही, तो चाहते हैं क्या दीमक आए? तो हटा दीजिए। कभी भी खेत के अंदर सूखी हुई मोटी डालियां लकड़ियां नहीं रखें। हाँ, एक काम कीजिए, जिनके पास ज्यादा खेती है तो एक पल्वराइजर रखिए, पल्वराइजर के अंदर जैसे ही लकड़ियां कटती है मोटी पतली सबको अंदर डाल के उसकी छोटी कटिंग चिप्स बनाइए और उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, या उनको मल्चिंग में काम में लीजिए, पड़ी पड़ी 6 महीने 8 महीने साल भर में धीरे धीरे कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। राहुल पाटिल जी का भी एक सवाल है, वो हाँ जी शायद राहुल हाथ जी, खड़ा कर रहे हैं। हाँ राहुल जी पूछिए। हाँ, आपका ऑडियो ऑन कीजिए राहुल जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आपके पास कंट्रोल है तो आप उनका ऑडियो ऑन कीजिए। सर मैं लवेश्वर से बोल रहा हूँ। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ हाँ सर, जैसे आपने बताया था बोर्डो पेस्ट में अपन कॉपर ऑक्साइड और चूने को मिलाते हैं, हाँ जी, तो उसमें सर कॉपर ऑक्साइड को नहीं मिला के कॉपर सल्फेट को मिलाया जाता है अच्छा, कॉपर सल्फेट, अच्छा जी। नीला ठीक है। हाँ, धुता कॉपर सल्फेट को कहते हैं, और हाँ पंजाब में जो कॉपर सल्फेट। हाँ, मेरा क्या है कि केमिकल्स का थोड़ा सा नॉलेज कम है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। नहीं, थैंक इसलिए मैंने यू। टाइप किया हाँ, सर, कॉपर क्योंकि सल्फेट, क्योंकि जो थैंक ब्लू यू। कॉपर, तो हाँ जी, क्योंकि आप जो ब्लू कॉपर बता रहे थे वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से मिलता है बाजार में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ओके ओके, जी। थैंक यू। बाकी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दी आपने पूरी। जी, ये सारा, अगर जो लोग नागपुर या आसपास में है, अगर वो इस तरह का, ये सारी जो मैंने बताई, अभी जो आपको एक फोटो भी शेयर की थी ड्रिप लाइन की है, और ये जो जितनी बातें मैंने अभी आज के बताई, ये सारी अभी मैंने एक जगह करवाई है, करवाई मतलब मैंने उनको सजेस्ट किया था, उन्होंने किया, मैंने नहीं करवाया, गलत बोल गया मैं करवा नहीं सकता, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कोई
कोंढाड़ी करके जगह है नागपुर से, तो वहां पर सबकुंड करके गांव है, वहां पर पहाड़ के ऊपर 70 एकड़ जमीन में उन्होंने ऑर्चर्ड लगाया हुआ है, जिसमें 40-45 एकड़ में संतरा मौसम्बी है और करीब 20 एकड़ में सीताफल है। साई वैली फार्म है और बहुत वेल मेंटेन्ड फार्म है, आपने देखा भी होगा जो फोटोग्राफ्स आपने देख रहे थे, तो ड्रिप आपने देखा होगा, ड्रिप जिस तरह से तनी हुई थी सीधी रेखा में, तो आप उसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार। तो जो लोग ऑर्चर्ड ओनर है यहाँ पर, जिन लोगों के पास में 2 एकड़, 5 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ और इस प्रकार जिन्होंने किया है, तो मेंटेनेंस किसे कहते हैं, एक बार आप उसको उनको विजिट करके आइए, उनका नंबर वगैरह आप विजय जी से ले सकते हैं, पहले एक बार उनसे बात करके अपॉइंटमेंट करके जाइए, सज्जन व्यक्ति हैं, आपको एंटरटेन भी करेंगे, आज मीटिंग में भी उनके रहने की बात थी, है कि नहीं मुझे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। प्रदीप सर, सचिन जैन जी का भी एक सवाल है। हाँ सचिन जी। सर नमस्ते। नमस्कार, तबियत कैसी है अभी आपकी? सर एकदम फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन सर। जी सर, ये गोबर गैस प्लांट से निकली हुई जो काउडंग स्लरी होती है, जी जी, वो कैसी रहेगी अगर अपन फर्टिलाइजर करके यूज करना चाहे तो? हाँ, स्लरी में देखिए क्या होता है, स्लरी वैसे सेफ है क्योंकि उसका पूरा जो मीथेन गैस है वो निकल चुका होता है, सारे सीड जो रहते हैं उसके वो वहां बायोडाइजेस्टर में डाइजेस्ट हो चुके होते हैं। ये सोयल में दिया तो सोयल में नुकसान नहीं है, सोयल सॉफ्ट रहेगी, मुलायम रहेगी, पोरस रहेगी जमीन, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं रहती है क्योंकि सिर्फ फाइबर बचते हैं, तो एक आध बार साल में दिया तो ठीक है, कंटिन्यू देंगे तो वहां पर क्या होता है, आप देखेंगे कि स्लरी की एक लेयर बन जाती है और वो फिर बाद में नुकसान करती है, वहां पर बहुत सारे आप देखेंगे कि कई प्रकार के जीव जंतु वहां पर पैदा होते हैं, तो उसको आप एक आध दो बार साल में वैसे डायरेक्टली यूज कीजिए और बाद में उसको आप कंपोस्ट में कन्वर्ट कीजिए और फिर दीजिए उसको, या फिर उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ दीजिए तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे उसके। कंटिन्यू यूज करने से क्या होता है कि वो लेयर बनाती रहती है और एक बायोमास की वहां पर लेयर बढ़ जाती है कि जो ड्राई है ना, तो आपने जिन्होंने डाला होगा उन्होंने अनुभव भी किया होगा कि वहां पर अंदर में जैसे सॉफ्ट बॉडीड जो इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं वो बहुत जल्दी पनपते हैं, जैसे बिल्ली बग बहुत जल्दी वहां पर घर बनाएगी, हालांकि वीड वहां पर आएगा लेकिन वीड तुरंत निकल भी जाएगा क्योंकि वीड की रूट वहां पर पकड़ेगी नहीं, आप निकालेंगे तो जड़ सहित बाहर आ जाएगा, है ना। हाँ सुमित जी कुछ पूछ रहे हैं, सुमित रहाणे वो पूछिए, ऑन कीजिए उसको। सुमित रहाणे अपने साईनाथ जी है शिरडी से जो। अच्छा अच्छा, शिरडी वाले साई बाबा है क्या? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आपका अभिनंदन है, आपने बहुत अच्छा आज का ये मीटिंग करवाया है, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपकी वजह से। हाँ जी, और हमारे दोस्त भी सुन रहे, 3-4 लोग बैठे हुए हैं, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वो बोल रहे थे कि आपका जो सिलिकॉन वाला जो आता है प्रोडक्ट, उसके ऊपर थोड़ा बोलिए अनार के ऊपर। कैसा है अभी अभी मैं प्रोडक्ट के ऊपर बोलने के लिए समय बहुत ज्यादा हो गया, 4:15 ऑलरेडी बच गया है और आज की जो मीटिंग थी वो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं थी, बोल दीजिए सर, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं थी, वो मैनेजमेंट के ऊपर थी। मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना सर, अभी बारिश चालू होने वाला है। प्लीज करके बताइए, 2 मिनट में बता दीजिए सर, उनको थोड़ा बता दीजिए। चलिए विवेक जी, कितना समय अभी अपने पास में? 4:15 हो रहे हैं। हाँ सर, ये 2 मिनट में कवर कर सकते हैं, क्विकली कवर। ठीक है, देखिए क्या है, जो सिल्पॉट करके जो प्रोडक्ट है जो अभी राणे जी ने पूछा है, ये बायोजेनिक सिलिका है, सिलिका डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास, यानी जो राइस का हस्क, राइस के अंदर आप सीखिए सबसे ज्यादा सिलिका पाई जाती है, तो राइस का जो हस्क रहता है यानी चावल जो धान है, धान के अंदर से जो चावल निकल गया तो जो छिलका बचता है उसके अंदर उसका जो ऐश रहता है उसको जला देते हैं, जलाने के बाद जो राख बचती है उसके अंदर सिलिका रहती है, तो उस सिलिका को वहां से डिराइव किया है और उसको पोटैश के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम हमने दिया सिल्पॉट बायोजेनिक सिलिका, उसके अंदर 21% है। तो अगर आप सिलिका का पूरा अगर इतिहास देखेंगे और अभी जो मार्केट में सिलिका बेस्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल फॉर्म में अवेलेबल सिलिका हमारे प्रोडक्ट में है 21%, बाकी लोगों की 3% से ज्यादा कोई आज तक दे नहीं पाया है और निकट भविष्य में दे नहीं सकता,
जब तक हमारी टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं जाती, और ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में सिर्फ ग्रीन अर्थ के पास में है। तो ये क्या करते हैं, इसको जब आप स्प्रे करते हैं एक दो तीन, तो इसका एक बायो सिलिका की बायो वॉल बनाती है वो, उसके टिश्यू के अंदर में जाके, उसके बॉडी के अंदर जाकर, और वहां पर एक वॉल क्रिएट करती है जो प्लांट को, जैसे मान लीजिए पत्ते हैं, तो पत्ते कैसे रहता है, तेज धूप रहती है तो पत्ते ऐसे लटक जाते हैं, आप देखे होंगे ऐसे ढीले रहते हैं, जैसे इसका स्प्रे होता है ये ऐसे तन जाता है, तो इसका कैनोपी एरिया बढ़ जाता है, तो करीब 20-25% फोटोसिंथेसिस बढ़ाता है। तो फोटोसिंथेसिस बढ़ गया माने क्या हो गया, क्लोरोफिल बढ़ गया, मतलब ग्रीनरी बढ़ गई, मतलब प्लांट ज्यादा फूड तैयार कर रहा है, और ज्यादा फूड तैयार करता है प्लांट तो रूट को ज्यादा देता है, तो डिमांड भी ज्यादा करता है, और डिमांड जब ज्यादा करता है तो रूट एक्टिव रहती है। तो देखा गया है कि लगातार जहां पर सिलिका का प्रयोग हुआ वहां पर निमेटोड गायब हो गया नीचे से। आपके डालिम में सबसे ज्यादा परेशानी निमेटोड से है जी सर। तो अगर लगातार इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी राजस्थान में हमारे एक मित्र है, उनके उनके पास में छोटी सी 100 एकड़ अनार की खेती है जी, छोटी सी 100 एकड़ अनार की खेती है उनके पास में, 37,000 प्लांट है। तो उन्होंने इस साल पूरे हमारे ऐसे प्रोडक्ट यूज किए, स्पेशली सिलिका, और उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट उनको आए, बाफना जी करके हैं। तो और आपके संगम नेर में, पुणे में, इधर तो काफी सालों से काफी लोग यूज करते ही हैं, अभी आप भी यूज कर रहे हैं। तो कोई भी क्रॉप हो, संतरा हो, मौसम्बी हो, अनार हो, अमरूद हो, सेब हो, चीकू हो, नाशपाती हो, केला हो, पपई हो, जामुन हो, कुछ भी हो, आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये हार्मोन बैलेंस भी करेगा, नीचे से प्लांट क्या अपटेक कर रहा है, कौन सी चीज ज्यादा ले रहा है, कौन सा कम ले रहा है, उसको भी बैलेंस करेगा, और नेचुरल फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करता है, रिपेलेंट का काम करता है। तो प्रिवेंटिव अगर आपने ये किया तो आपको बहुत सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करने पड़ेंगे, आज के लिए इतना काफी। हेलो सर, अदरक के खेती में सिलिपॉड यूज कर सकते हैं क्या आप? बिल्कुल कर सकते हैं, जो क्रॉप के अंदर में पत्ता है और जिसमें जड़ है उसमें सब में यूज कर सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया आपने बता दिया, धन्यवाद। और इसके अंदर 9% पोटेश होने की वजह से साइज को भी इनहांस करता है ये। हाँ जी जी, चलिए सर, वो ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए जो निकला पीपी किट, हाँ, उसके बारे में कुछ बताओ। नहीं अभी नहीं, आज बस प्रोडक्ट के बारे में इतना, इसके बाद में जो भी अभी और सवाल है प्रोडक्ट को रिलेटेड वो व्यक्तिगत। सर हमने बुलाई ना वो अदरक की खेती के लिए, तो आप मेरे से बाद में फोन करके पूछिए उससे, है ना। अच्छा हाँ। नीलिमा मैम पूछ रहे हैं कि वेजिटेबल्स पे भी सिल्पॉट यूज कर सकते हैं? वेजिटेबल में जड़ होती है, नीलिमा मैडम कहाँ है, मैंने बताया ना जड़ और पत्ते जिस क्रॉप में है उन सब में आप यूज कर सकते हैं। अरे वाह, ठीक है सर, थैंक यू सर। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिलिका कैसा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 5-7 दिन के इंटरवल में चाहे जितनी बार कर सकते हैं। गुजरात में हमारे बहुत से मित्र हैं, एक मित्र हमारे अभी जुड़े हुए भी थे, मैं देख रहा था, शायद अभी नहीं है वो, सौरभ चंदन जी है, शायद चंदन मालू जी होंगे, सौरभ रमानी है। तो वो भिंडी की खेती करते हैं, केवल सिल्पॉट और नीमो के और दो प्रोडक्ट डालते हैं। सितंबर से फरवरी की जो भिंडी लेते हैं, भिंडी वेजिटेबल के अंदर सबसे कठिन प्रोडक्ट है, सबसे कठिन वेजिटेबल है जिसको लेना, क्योंकि जितने सकिंग पेस्ट है, थ्रिप्स, माइट, जैसिड्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, ग्रीन फ्लाई, रेड फ्लाई, जो जो आप नाम लीजिए, कैटरपिलर, स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, सब आते हैं उसमें, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। सिल्पॉट नीमोक्योर एवरी 5th-6th डे वो स्प्रे करते हैं, और सितंबर से फरवरी की भिंडी की क्रॉप निकालते हैं। एक दो लोग नहीं निकालते, उनका 22 लोगों का ग्रुप है, और करीब 55-60 एकड़ में वो या 70 एकड़ में भिंडी लगाते हैं उस समय, और वो पूरा वो 6 महीना केवल ये दो प्रोडक्ट से निकालते हैं। जमीन अगर आपकी स्वस्थ रही तो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे आदमी का अगर पेट ठीक है
तो उसको भूख अच्छी लगती है, उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक है, उसको नींद अच्छी आती है, उसका एनर्जी लेवल हाई रहता है, चेहरे पर एक ग्लेज रहता है ना, उसको इलायची खाने की जरूरत नहीं है मुंह की दुर्गंध मिटाने के लिए, पसीने की दुर्गंध मिटाने के लिए डीओ मारने की जरूरत नहीं है, और चेहरे के ऊपर ग्लो लाने के लिए मेकअप की जरूरत नहीं है। ये तीनों काम उसका पेट ठीक रहा तो हो जाता है। तो वैसे ही जमीन का अगर, सोयल का अगर हेल्थ ठीक है तो प्लांट का हेल्थ ठीक रहेगा, बीमारियां कम रहेगी और फ्रूट आप मन चाहे जितने ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 4:21 हो गए जी सर, और समय काफी हो गया है और सब लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे अभी बारात में आए हैं और अभी खाना हुआ नहीं है, तो इंतजार कर रहे हैं कि खाना शुरू हो तो खाना खा के ही जाएंगे। सर वो आपसे बात करके, आपसे इंटरेक्ट करके इतना अच्छा लग रहा है ना, जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो अब सर एक तो मैं बहुत बहुत आपका बहुत बहुत मतलब मन से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा सेशन, इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन, और जो कि हमारे को जीवन में तुरंत ही यूज आने वाला है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और बाकी सब लोगों के साथ एक चीज थोड़ी सी मैं एक शेयर करना चाहूंगा कि अभी जब इस मीटिंग से पहले सर से मेरा डिस्कशन हो रहा था तो थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड मतलब ऐसे ही कैजुअल सा डिस्कशन हुआ, तो सर से मैंने पूछा क्या खाद डाले, क्या डाले, तो उन्होंने बोला नहीं खाद वाद ये सब सेकेंडरी है, आप तो पौधे का ध्यान रखो, ध्यान रखोगे और पानी डालते रहोगे तो खाद किसी, मुझे उस समय थोड़ा अजीब भी लगा कि भाई ऐसा, ये बात तो थोड़ी सी अनकॉमन है, सुनने में अजीब लगी। पर जब मैंने इनके बाद में, और मैं आपको ही कोट करूंगा, पौधे का ध्यान रखने का अर्थ किस हद तक ध्यान रखना है, आपको कहीं आपने उसके बाद में कहीं पे नोट किया होगा, तो उन्होंने मेरे को मतलब इसी डिस्कशन के दौरान में सर ने बोला, मैंने क्विकली नोट किया कि भाई ऐसे ऐसे आप करोगे ना, ये चीज ध्यान करोगे तो पौधा ग्रो कर पाएगा, पौधा मौसम से लड़ पाएगा, पौधा तनाव झेल पाएगा, पौधा परफॉर्म कर पाएगा। पौधा किसी बच्चे के लिए जब बात करते हैं ना कि भाई आप ऐसे ऐसे करो तो आपका बच्चा, मैं पौधे की जगह बच्चा कर देता हूं, बच्चा ग्रो कर पाएगा, बच्चा मौसमों से लड़ पाएगा, बच्चा तनाव झेल पाएगा, बच्चा परफॉर्म कर पाएगा, वो ही भावना हमें पौधे के साथ में रखी है। उन्हीं मुहावरों का जिक्र आपने किया है कि तब वो तनाव से लड़ पाएगा, ग्रो कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा, इतना लगाव जो व्यक्ति पौधों से रखता है वो हमारे साथ में आई, हमारे लिए बड़े भारी सौभाग्य का विषय। आज का डिस्कशन में यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, आप सब लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा, करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।